स्पॉटिंग पैकेज की शुरुआत करते हैं भारती सिंह के पति हर्ष से, जो मुंबई की सड़कों पर गिरे हुए पेड़ देखने के लिए घर से बाहर निकले। इसी के साथ हर्ष ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए टिप्स भी दिए। आइए सुनते हैं हर्ष ने क्या कहा। रुकिए नहीं, मत रुकिए। भारती जी कहाँ हैं? भारती जी घर पे हैं। मैं अभी आज निकला हूँ, पेड़ गिन रहा हूँ मैं, कितने पेड़ गिरे हैं। लोखंड वाले भी चले जाओ, आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं वो देखता हूँ कितने पेड़ गिरे हैं। मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई सेफ रहो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो और स्टीम लेते रहो। स्टीम घर पे जाके रोज लो, उससे कोरोना से आप थोड़ा बहुत तो बच जाओगे। प्लीज स्टीम लो और मास्क तो पहने ही पहनो, बट स्टीम ज़्यादा लो और इम्यूनिटी का ध्यान रखो। बाकी बस कुछ नहीं है, ध्यान रखो साहब, लोग भी सब थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फोन करता हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लेना एक बार। हाँ हाँ हाँ। सिंगर नेहा कक्कड़ अब सड़क पर ही पति के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई दी। नेहा और रोहन प्रीत का ये प्यार भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं दिया और बाती फेम एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने तूफान से गिरे हुए पेड़ों का भी खूब फायदा उठाया। ये हम नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। दरअसल दीपिका ने कुछ तस्वीरें शेयर की जिसे लेकर लोगों ने उन्हें खूब बातें सुनाई। एक ने कहा पेड़ गिरने का सही फायदा, अन्य ने लिखा दिन पर दिन जोकर बनती जा रही है ये। प्रिंस नरूला पत्नी युविका चौधरी के साथ कैजुअल लुक में स्पॉट हुए। वहीं अंधेरी में स्पॉट हुई आरती मैडम को फोटो क्लिक करवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। गाड़ी से उतर आरती ने पेपराजी को कहा जल्दी करो फोटो क्लिक और बाद में गाड़ी में बैठ गई। पटौदी खानदान के दामाद कुणाल खेमू छत पर गाना गाते दिखे। पति के गाने को सुन सोहा की भी हंसी बंद नहीं हुई। I've just come up to the roof to see the after effects of the cyclone and some plants have fallen down. एक्ट्रेस गौहर खान शौहर की बाहों में नहीं बल्कि पैरों में बैठी नजर आईं। वहीं स्टार्स ने साइक्लोन की वजह से हुई मुंबई की हालत की एक झलक अपने फैंस को दिखाई।
सिंगर हिमेश रेशमिया भी पत्नी के साथ रोमांटिक होते हुए दिखाई दिए। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बढ़िया इंसानियत का काम किया, हमेशा से आप मदद करते हैं लोगों की, तो किससे प्रेरणा मिलती है और आज ब्लड डोनेशन के साथ क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये रक्तदान एक जीवन दान है, समझा? आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, ऐसे हालात चालू है। ऐसे हालात से बाहर आके आपका फर्ज बनता है कि बाहर आके लोगों की मदद करें, ना कि अपने घर में बैठे। तो ये जरूरी है, हर इंसान ने करना चाहिए। जो आज मैंने किया वो मेरा फर्ज निभाया, मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, मैंने मेरा फर्ज निभाया। और लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है, आप आइडल मानते हैं, लोग आपको आदर्श मानते हैं, अनगिनत फैन हैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। हमारे यहाँ ब्लड की बड़ी कमी रही है अस्पतालों में, जो हालात कोरोना के रहे हैं, क्या मानते हैं कि एक नया पैगाम जाएगा और फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना बढ़ चढ़ के इस तरह के इंसानियत भरे काम में आगे बढ़े? ये जरूरी है ना, करना तो जरूरी है। अभी ये दूध पीते तो कोई बच्चे नहीं ना, सबको समझता है कि आज हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है, समझा? और ये ठेका सिर्फ गरीबों ने नहीं लिया, वो बेटे ना महिलाओं में, उनका भी फर्ज बनता है कि वो नीचे उतर के ना लोगों की मदद करे, समझा? सिर्फ वो घर में बैठ के वो बनाएंगे सोशल डिस्टेंस करो, मास्क पहनो, ये पहनो, वो नहीं होता है। नीचे उतरो और देखो बाहर क्या चल रहा है, वो हाँ मदद करो लोगों की। कंगना बहुत तरह की बयानबाजी करती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी being a journalist, I have not seen her donated something, और वो सिर्फ बयानबाजी में रहती हैं, ग्राउंड पे मुझे लगता नहीं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उसको बिठा है किसने सर पे? मीडिया ने ना, जब उसने बोला था कि मुझे मुंबई पीओके लगती है, किसने बिठा है सर पे? मीडिया ने ना,
उसको बोलो ट्विटर फेसबुक इससे नीचे उतर के ना ग्राउंड पे आके ना लोगों की मदद करें। सिर्फ ना बोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे आके मदद करना चाहिए क्योंकि लोगों ने आपको बनाया है और आज लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो नीचे उतरो एयर कंडीशन से और लोगों की मदद करो। देखो वो पब्लिक सिटी के लिए करती है या और किसी के लिए करते हैं उसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं और मालूम करना भी नहीं चाहता है क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है। क्योंकि एक सेलिब्रिटी को छींक आती है तो आप लोग पहला पहुँचते हो उधर, उससे अच्छा वो गरीब के घर में आज चूल्हा जला कि नहीं उसके लिए जाके जरा पूछो ना। और ये नेता लोग को बताओ उन लोग को कि जरा इधर राउंड मार करके तेरे एरिया में ना लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको जाके पूछो ये बात। भाई ये छोटा मेरा अच्छा काम कर रहा है, ये कैंप ब्लड कैंप किया, बहुत अच्छा काम किया। कल मैं परसों गिरगांव में था वहाँ भी ऐसे ही। ये सब चीज़ें ना, ये आज यूथ है ना, ये देश का भविष्य है, इन लोग ने शुरुआत किया है तो इन लोग ही अभी अंजाम देंगे उसका, टेंशन नहीं। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आजकल ट्विटर पे रह रहे हैं, ट्विटर पे बातचीत कर रहे हैं और ऐसे बड़े क्रिकेटर भी थे अनुष्का मैम जो है और विराट कोहली, उन लोग डोनेशन मांग रहे लोगों से, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो जा रहे उधर पिकनिक के लिए, किधर है वो मालवीस क्या है, हाँ उधर जा रहे पिकनिक को, आप काय को डोनेशन देते हैं? आपको इतनी खुजली है तो जाओ ना लोगों के घर घर में अनाज पहुँचाओ ना, उनको डोनेशन क्यों देने का? लोगों के घर घर में जाओ, दिखता नहीं क्या, अंधा लोग है क्या तुम लोग? जाओ ना आपने उनके घर में जाओ, लोगों के अनाज पहुँचाओ। आज साला इधर से लेके बांद्रा से लेके वो बाबा हॉस्पिटल पहुँचने का है 4,000 रुपया एम्बुलेंस का लेते हैं, किधर से देगा गरीब? हाँ किधर से गरीब देगा? घर में बैठो सुरक्षित रहो, जब ना वो एक बाप घर के बाहर निकलेगा ना तो शाम को ना घर में चूल्हा जलेगा, बाप माँ बाप की दवाई आएगी, समझा? ये नहीं लोगों को समझ रहा है, सिर्फ डायलॉग देने का घर में बैठो ऐसा है। बाप आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आप कई लोग ऐसे जो है आपके फैंस भी शायद बहुत को कम पता है कि आप कई 20 साल से 15 साल से आप भी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इधर चला रहे हो। 24 घंटा फ्री चलती है, 24 घंटा फ्री एम्बुलेंस चलती है आगे आने वाले हाँ, समय में और अभी भी मैं कम से कम अभी 2-3 महीने से भाग रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए, एक साल की वेटिंग है एम्बुलेंस की, एक साल की वेटिंग है, इसलिए दूसरी एम्बुलेंस डालना चाहता हूँ मैं। कि कहाँ से गरीब कहाँ से देगा पैसा एम्बुलेंस का? घर में अनाज नहीं पक रहा है और एम्बुलेंस का किधर से देगा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैंने मेरा फर्ज निभाया, आप लोग भी आपका फर्ज निभाओ, आज ये देश को आपकी ज़रूरत है। सिर्फ बोल बच्चन दे के मतलब नहीं, देश को ज़रूरत है वो हर किसी की ज़रूरत है। ये मत देखो मुझे क्या करना है, ये मत सोचो, भले वो बॉलीवुड रहने दो, क्रिकेटर लोग रहने दो, कोई भी रहने दो, आज इस देश को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अमीर गरीब मत छोड़ो, उतरो ये ग्राउंड पे और मदद करो। हाँ कल हमने तूफान का भी सामना किया, ऑलरेडी हम एक महामारी का सामना कर रहे थे, बहुत जगह पे पेड़ गिरे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, खास करके ये कर्मा है, कर्मा कर्मा है, ये जो हुआ है ना ये कर्मा है, जो आपने किया ना वो भुगत रहे, झाड़ काट रहे हैं, बड़े से बड़ी बिल्डिंगियाँ बन रही है, समझा? ये सब कर्म है, ऊपर वाला देख रहा है ना, उसको बोलते ना लाठी को आवाज़ नहीं, वो सच है, वो ऐसे ही मारेगा, अगर गलत करेगा तो कर्म लौट के आता है, होएगा वो। और कुछ नहीं ना, बस और नहीं ना, बस।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।